साथियों, देश के हेल्थ सेक्टर के अलग अलग गैप को एड्रेस करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तीन बड़े पहलू हैं। पहला, डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट के लिए विस्तृत सुविधाओं के निर्माण से जुड़ा है। इसके तहत गांवों और शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, जहां बीमारियों को शुरुआत में ही डिटेक्ट करने की सुविधा होगी। इन सेंटरों में फ्री मेडिकल कंसल्टेशन, फ्री टेस्ट, फ्री दवा, ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी। समय पर बीमारी का पता चलेगा तो बीमारियों के गंभीर होने की आशंका कम होगी। गंभीर बीमारी की स्थिति में उसके इलाज के लिए 600 से अधिक जिलों में क्रिटिकल केयर से जुड़े 35,000 से ज्यादा नए बेड्स तैयार किए जाएंगे। बाकी लगभग 125 जिलों में रेफरल की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए ट्रेनिंग और दूसरी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए 12 केंद्रीय अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं विकसित करने पर भी काम हो रहा है। इस योजना के तहत राज्यों में भी सर्जरी से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए 24/7 चलने वाले 15 इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी तैयार किए जाएंगे। साथियों, योजना का दूसरा पहलू रोगों की जांच के लिए टेस्टिंग नेटवर्क से जुड़ा है। इस मिशन के तहत बीमारियों की जांच, उनकी निगरानी कैसे हो, इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। देश के 730 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स और देश में चिन्हित 3,500 ब्लॉक्स में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाई जाएगी। 5 रीजनल नेशनल सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल, 20 मेट्रोपॉलिटन यूनिट्स और 15 बीएसएल लैब भी इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। भाइयों और बहनों, इस मिशन का तीसरा पहलू महामारी से जुड़े रिसर्च संस्थानों के विस्तार का है, उनको सशक्त बनाने का है। इस समय देश में 80 वायरल डायग्नोस्टिक और रिसर्च लैब्स हैं, इनको और बेहतर बनाया जाएगा। महामारियों में बायो सेफ्टी लेवल 3 की लैब चाहिए, ऐसी 15 नई लैब्स को ऑपरेशनल किया जाएगा। इसके अलावा देश में 4 नए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ भी स्थापित किया जा रहा है। दक्षिण एशिया के लिए WHO का रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म भी रिसर्च के इस नेटवर्क को सशक्त करेगा। यानी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से देश के कोने कोने में इलाज लेकर क्रिटिकल रिसर्च तक एक पूरा इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा।